सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगा सैमसंग गैलेक्सी F41 की। जी हाँ दोस्तों, फ्लिपकार्ट की तरफ से मेरे पास ये बॉक्स आ चुका है। आज मैं आपके सामने इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको बताऊंगा इस फ़ोन के बारे में कि इसमें हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या है इसके खास फीचर, और दोस्तों ये फ़ोन आपको किस प्राइस रेंज में मिलता है और क्या ये आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। और सारे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अभी ये फ़ोन आपको किस प्राइस रेंज में मिल सकता है अगर आप इसे सेल के अंदर खरीदते हो तो। वैसे दोस्तों इसकी सेल कल ख़त्म हो जाएगी, तो अगर आप इस फ़ोन को सेल के बाद में खरीदते हो तो ये आपको कितने का पड़ेगा और ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको समझ में आ सके। लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर रिवर आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इस फ़ोन के बारे में बताता हूँ। दोस्तों ये है वो बॉक्स जो फ्लिपकार्ट की तरफ से हमारे पास आया है। तो चलिए तो इसे मैं ओपन करता हूँ। वैसे मैंने इसको ओपन करके देख लिया था क्योंकि दोस्तों मैंने चेक किया था कि इसमें हमें फ़ोन मिला भी है या फिर नहीं मिला है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये है इसका बिल, इसे साइड में रखता हूँ। दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी F41 जो कि दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट सेल से मंगाया है। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये फ़ोन मुझे ना तो सैमसंग ने भेजा है ना ही किसी कंपनी ने भेजा है। तो इस फ़ोन के बारे में दोस्तों मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो रियल है, यानी अगर इसमें कुछ अच्छा है तो वो अच्छा बताऊंगा और इसमें कुछ बुरी बातें हैं तो दोस्तों वो भी साथ बताऊंगा। ये दोस्तों पैड नहीं है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि मैं इसकी सिर्फ अच्छी अच्छी बात बताऊंगा, इसमें दोस्तों जो भी खराबी होगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो दोस्तों पूरा देखना। तो दोस्तों मैं इसको ओपन करता हूँ। वैसे मैंने इसे ओपन करके देखा था फ़ोन देखने के लिए कि इसके अंदर हमने फ्लिपकार्ट ने हमें फ़ोन भेजा भी है या फिर नहीं भेजा है, क्योंकि दोस्तों अक्सर क्या होता है कि कभी कभी कंपनी तरफ से दोस्तों हमें जो सामान मंगाते हैं उसकी जगह कुछ और आइटम निकल आता है। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ। दोस्तों ये फ़ोन इसे मैं साइड में रखता हूँ और आपको सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है वो दिखाता हूँ। दोस्तों ये एडाप्टर जिस पर लगा हुआ है फास्ट चार्जिंग। दोस्तों इसकी रेटिंग की बात करें दोस्तों जी हमें 15 वॉट का चार्ज मिलता है, इस पर लगा हुआ है 15 वॉट का चार्ज दोस्तों जो हमारा। और दोस्तों इसमें हमें एक डाटा केबल मिलती है जो दोस्तों ये सी टाइप केबल है, ये देखिए। और दोस्तों इसके अंदर हमें कोई भी और आइटम नहीं मिलता, जैसे कि पहले दोस्तों हमें सैमसंग के फ़ोन में ईयरफोन मिलते थे लेकिन इसमें दोस्तों कोई भी ईयरफोन नहीं है। और दोस्तों साथ में हमें इसके अंदर जिस सिम एक्टर टूल मिलता है, और दोस्तों इसके अंदर कुछ बुक हैं जिसे आप पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों सबसे बुरी बात यह है कि इस फ़ोन में हमें कोई बैक केस देखने को नहीं मिलता, यानी कि सैमसंग हमें हर फोन में अपने फ़ोन में एक कवर भेजता था लेकिन इस बार उसने इसमें से कवर भी निकाल लिया, यानी कि अब आपको बिना कवर का फ़ोन मिलेगा। तो दोस्तों ये गलत बात है, आपको कवर वजह से खरीदना पड़ेगा तब आप इसे यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये वो फ़ोन जो दोस्तों मेरे पास ब्लैक कलर का है, और दोस्तों मेरे पास इसका 6GB 64GB वाला वेरियंट है जो फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है। इसकी प्राइस क्या है दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस फ़ोन को सेटअप करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस फ़ोन को मैंने सेटअप कर दिया है, ये देखिए दोस्तों इसकी डिस्प्ले। दोस्तों ये इसका डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर जो इस फ़ोन में लगा हुआ आया है। दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, डिस्प्ले इसकी काफ़ी अच्छी है। अब दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ इस फ़ोन डिस्प्ले की। दोस्तों इस फ़ोन में हमें 6.4 इंच की, यहाँ से दोस्तों इधर 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है दोस्तों, जो कि फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आती है। दोस्तों इसके कैमरा की बात करें तो इसके दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे फ्रंट में हमें 32 MP का कैमरा मिलता है जो दोस्तों सेल्फी कैमरा है। इसके रियर में दोस्तों हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो दोस्तों मेन कैमरा इसका 64 MP का है। इसके बैक साइड में दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। दोस्तों इस पर कार्ड स्लॉट की बात करें तो इसमें दोस्तों हमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है यहाँ पे, जिसमें दोस्तों आप अपनी 2 SIM और अपना एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो।
दोस्तों इस फ़ोन का सिर्फ एक ही चीज़ बेकार है, दोस्तों जो है इसकी ये बॉडी देख रहे हैं दोस्तों, ये ऐसा लग रहा है कि ग्लास बॉडी है, लेकिन ये दोस्तों एक प्लास्टिक बॉडी है। अगर आप इस पर कवर ला के रखते हो फिर तो ठीक है, अगर आप इसे ऐसे यूज करोगे तो इस पर जल्दी स्क्रैच आ जाएंगे और दोस्तों इसकी जो शाइनिंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो जब आप इस फ़ोन को खरीदें तो आपको एक बैक केस एडवांस में खरीदना पड़ेगा, जिससे आप अपने फ़ोन को सेफ रख सको। अब दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन की बैटरी की, तो इसमें हमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसमें दोस्तों आप अपने फ़ोन को अगर नॉर्मल यूज़ करते हो तो ये फ़ोन आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप आराम से दे देगा। दोस्तों इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें एक्जीनोज का 9611 का प्रोसेसर मिलता है, जो दोस्तों मैं कहूँगा एक काफ़ी पुराना प्रोसेसर है, क्योंकि दोस्तों सैमसंग के काफ़ी ऐसे डिवाइस हैं जिसके अंदर हमें ये प्रोसेसर देखने को मिला है। तो अगर आप दोस्तों एक हैवी गेमर हो, आप बहुत ज़्यादा गेम खेलते हो, तो दोस्तों आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, वरना अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो अपने फ़ोन को, जैसे आपने व्हाट्सअप यूज़ कर लिया, फेसबुक वगैरह, यूट्यूब, तो दोस्तों आपको इस फ़ोन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों प्रोसेसर जो है दोस्तों बड़ा ही पुराना हो, लेकिन इसकी जो ऑप्टिमाइजिंग है सैमसंग की वो काफ़ी अच्छी है। आपको इसमें एकदम स्मूथनेस मिलेगी, ये देखिए बिल्कुल भी लैगिंग नहीं करेगा ये फ़ोन, अगर आप अपने फ़ोन को थोड़ा बहुत गेमिंग करते हो, अगर आप ज़्यादा गेमिंग नहीं करते तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और दोस्तों सबसे अच्छा लगता है मुझे इस फ़ोन का UI, दोस्तों सैमसंग में हमें जो UI मिलता है वो काफ़ी सिंपल होता है, इसे दोस्तों काफ़ी सिंपल होता है इसको यूज करना, इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती जैसे और फ़ोनों में होती है, रेडमी के में उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐड आते हैं। दोस्तों इस फ़ोन में सबसे अच्छी बात है इसमें आपको एक ऐड देखने को नहीं मिलेंगे, और इसका जो इंटरफेस है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छा है, और इसमें हमें ऐप ड्रॉअर भी मिलता है, जैसे MI के फ़ोन होते हैं, वीवो के होते हैं, उसके अंदर हमें ऐप ड्रॉअर नहीं मिलता है, लेकिन इसमें हमें ऐप ड्रॉअर भी मिलता है। दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए तो सैमसंग ब्रांड का हो और उसके कैमरे दोस्तों काफ़ी अच्छे हों, डिस्प्ले काफ़ी अच्छी हो। दोस्तों काफ़ी लोगों को क्या होता है कि उन्हें ग्लास बॉडी अच्छी लगती है, लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा चाहे ग्लास बॉडी हो या प्लास्टिक बॉडी हो, अगर आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो आप अपने फ़ोन पे वैसे ही कवर लगा लोगे, तो इससे दोस्तों आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता ग्लास बॉडी है प्लास्टिक बॉडी है। दोस्तों इस फ़ोन की डिस्प्ले वो काफ़ी अच्छी है, तो हमें डिस्प्ले देखनी है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ एक ऐसा फ़ोन चाहिए होता है जिसमें दोस्तों अच्छी डिस्प्ले हो और अच्छी बैटरी हो, क्योंकि दोस्तों उन्हें सिर्फ मूवी देखनी होती है अपने फ़ोन में और गेम खेलना होता है। तो दोस्तों गेम खेलने के लिए और मूवी देखने के लिए बैटरी की और डिस्प्ले की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो दोस्तों इस फ़ोन में दोनों दी गई हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है सैमसंग का, सैमसंग की ब्रांड ऐसी ब्रांड है जिस पर काफ़ी ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं। दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो 15,000 रुपये के अंदर आ जाए, सैमसंग की ब्रांड हो और जो दोस्तों नया लॉन्च हुआ हो, और सबसे बड़ी बात डिस्प्ले उसकी सुपर एमोलेड हो और बैटरी 6000 mAh से ऊपर दी गई हो, तो आप इस फ़ोन को आसानी से परचेज कर सकते हो। दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को अभी वीडियो देख रहे हो, अभी दोस्तों ये फ़ोन सेल के अंदर आपको 13,500 रुपये का देखने को मिल जाएगा, अगर आप इसे फ्लिपकार्ट सेल से खरीदते हो तो। और दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को फ्लिपकार्ट सेल के बाद खरीदोगे तो दोस्तों ये फ़ोन आपको 15,000 रुपये से ऊपर देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट के ऊपर, क्योंकि दोस्तों ये एक ऑनलाइन फ़ोन है। अगर आप इसे मार्केट से भी खरीदोगे फिर भी दोस्तों आपको ये 100-200 रुपये ऊपर में मिल जाएगा अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट से खरीदते हो तो। दोस्तों सैमसंग का फ़ोन काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आप इसे बिना टेंशन ले सकते हो अगर आपको सैमसंग का ही डिवाइस चाहिए तो। अगर आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो कि दोस्तों किसी भी ब्रांड का हो, उसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा हो, तो दोस्तों आप रेडमी का फ़ोन देख सकते हो, उसमें दोस्तों हमें काफ़ी अच्छे प्रोसेसर देखने को मिलते हैं इसी रेंज पर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि इस फ़ोन के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है और ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।